गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। यस्टरडे आई विल टीच यू द चैप्टर डेवलपमेंट सम पोर्शन ऑन लेफ्ट। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है? कल मैंने आपको पढ़ाया था डेवलपमेंट चैप्टर के बारे में, उससे कुछ पोर्शन बच गया था। सो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट दैट वन, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था विकास क्या होता है, उसी के आगे हम चलेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट इस पर डिपेंड्स होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे। आर्थिक विकास जब हमारे देश का होता है, आर्थिक विकास जब होने लगता है उसी को हम क्या कहते हैं, विकास का होना या डेवलपमेंट का होना। लेकिन यदि वो सस्टेन रहे बिना रिसोर्सेज को नुकसान पहुंचे, दैट इट वाज कॉल्ड एज द सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हम करते हैं, रिसोर्सेज का इस्तेमाल भी करते हैं, बट वी आर कॉस्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, चाहे वो डेवलप्ड कंट्रीज हो चाहे वो डेवलपिंग कंट्रीज हो, लेकिन हम कुछ ना कुछ चुकाते हैं उसके लिए। विकास तो हम करते हैं लेकिन कुछ ना कुछ उसके लिए हमें चुकाना पड़ता है। यदि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहते हैं तो हम नेचुरल रिसोर्सेज को इस तरह से इस्तेमाल करें कि उनका सही तरीके से इस्तेमाल हो और वो वेस्ट भी ना जाए। फॉर एग्जाम्पल एक्सेसिव माइनिंग इन्वायरमेंट। एक्सेसिव माइनिंग इन्वायरमेंट क्या है? एग्जाम्पल के तौर पर हम जो माइनिंग वगैरह प्रोसेस करते हैं जिसमें क्या होता है, डिप्लीशन ऑफ अर्थ होता है, बहुत सारा स्मोक डस्ट ये सब इन्वायरमेंट को क्या करता है, पल्यूट करता है। तो इन्वायरमेंट में पोल्यूशन भी बढ़ते हैं, लेकिन हम इन्वायरमेंट में पोल्यूशन से लड़ने के लिए कुछ नहीं कर पाते या उस हिसाब से नहीं कर पाते जितनी रूप से प्रकृति को जरूरत होती है। तो क्या होता है, हमारा सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है, पूर्ण रूप से नहीं हो पाता। लेकिन अगर हमें ऐसा करना है ना, नेचर को भी हम नुकसान ना पहुँचाएँ और हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होता रहे, दैट इट इज कॉल्ड योर सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। सेकेंड पॉइंट इज दैट इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन। दिन प्रतिदिन हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, हम विकास तो कर रहे हैं लेकिन पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। तो क्या हम सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट की खराब है? नहीं, सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन होता है, उसके साथ साथ ही क्या है, मिसमैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हम इस्तेमाल करते हैं अपने आप को डेवलप बनाने के लिए या इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कच्चे माल के रूप में हम पेड़ पौधे और बहुत सारी वस्तुएं, मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर ऐसी बहुत सारी आर्थिक क्रियाओं को करने के लिए इन सभी कच्चे माल के रूप में सभी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्रकृति को हम उसकी विपरीत में क्या देते हैं, कुछ भी नहीं दे पा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप क्या हो रहा है, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हो रहा है। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, वह प्राकृतिक संसाधन होते हैं जो ईश्वर के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द नेचुरल गिफ्ट ऑफ द नेचर, बट हम उसे डेली डेली एग्जॉस्ट करते चले जा रहे हैं और एक दिन जब खत्म हो जाएंगे तब हम क्या करेंगे। ग्राउंड वाटर लेवल भी क्या हो रहा है, डिप्लीट होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। बहुत से राज्यों में, बहुत सारे देशों में भी पीने का पानी लोगों को प्राप्त नहीं हो रहा है, पोटेबल वाटर कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, औद्योगिक के क्षेत्र में बढ़ते चले जा रहे हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो कर रहे हैं, पेड़ पौधे नहीं लगा रहे, इस वजह से क्या हो रहा है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज खत्म होते जा रहे हैं, लॉस्ट हो जा रहे हैं। Because we mismanage the natural resources. Now next we are discussing about the sustainable development. Sustainable development use the resources carefully. Sustainable development का मतलब क्या है कि resources को हमें इस्तेमाल तो करना है लेकिन carefully करना है, सही तरीके से करना है ताकि वो waste ना हो, exhaust तो हो लेकिन वेस्ट तो ना हो, जिससे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन ना बढ़े। इसी के साथ आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। तो नाउ आई एम गिविंग यू होमवर्क, एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके दिए हुए चैप्टर में उसमें से क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 एंड 7 आपको करना है अपनी कॉपी पे। वेरी शॉर्ट